मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बादाम की गिरियां, चीनी, वनीला एसेंस, मैंगो, अनार, एप्पल, बनाना, कस्टर्ड और दूध। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना फ्रूट कस्टर्ड। इसके पहले सबसे पहले हम अपने पैन में लेंगे दूध। दूध हम जितना कस्टर्ड बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लेंगे। हमने तकरीबन एक गिलास से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, डेढ़ गिलास दूध लिया है। ये हमने गैस नीचे से ऑन कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये हम डालेंगे। हमने जो है पहले डेढ़ ग्लास में तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच तक हम कस्टर्ड डालेंगे। हमने वनीला कस्टर्ड लिया है। इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं, वो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ठंडे दूध में हमने इसको घोलना है। ये देखिए, ठंडे दूध में हमने इसको घोल लिया है। ऐसे हमने इसको मिक्स कर देना है ताकि इसमें जो है लम्स ना रह जाए। दूध में जो है हम डालेंगे चीनी। चीनी भी हमने डालनी है अपने स्वाद अनुसार। हम 1 कड़छी चीनी डालेंगे, इसको मिला लेंगे, इसको बॉईल करने देंगे हम। दूध हमारा गर्म हो गया है, उबलने को है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये कस्टर्ड और इसको हिलाएंगे लगातार। दूध हम जितना चाहें हम ले सकते हैं, हमारी मर्जी है जितनी क्वांटिटी में हमने कस्टर्ड बनाना है। हमारा दूध तकरीबन 2 गिलास के करीब हो ही गया है। इसको हमने लगातार चलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए, कस्टर्ड हमारा हो गया है। हमने हल्की गैस पे इसको किया है, 10 से 15 मिनट तक पकाया है। बिल्कुल हल्की गैस पे हमने इसको पकाना है और हाथ हमने हिलाते रहना है ऐसे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए, मीठा हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है। ये कलर भी इसका बहुत अच्छा आ गया है। इसको हमने लगातार हाथ से हिलाना है। ये देखिए, गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा हम इसको और कर लेंगे, गैस हम तेज करेंगे। ये देखिए, ये हमारा तैयार है। हमारा कस्टर्ड जो है गाढ़ा भी हो गया है काफ़ी। ये देखिए, गाढ़ा भी हो गया है और कलर भी इसका अच्छा आ गया है। अगर आपको लगे कि कस्टर्ड थोड़ा सा कम है या इसका कलर थोड़ा हल्का है तो आप और कस्टर्ड डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि पतला है और गाढ़ा करने की ज़रूरत है और उबाल कर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका कस्टर्ड थोड़ा कम है। आप इसमें कस्टर्ड पाउडर और ठंडे दूध में घोल कर डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे हम अपना वनीला एसेंस। ये देखिए, ये वनीला एसेंस है, ये डालेंगे हम इसमें। देखिए, हम 6-7 बूंदें इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस की और इसको हिलाएंगे। ये हिलाने के बाद हमने इसको अपने बोल में डाल देना है ठंडा करने के लिए। अब हमारा कस्टर्ड जो है ये रेडी हो चुका हुआ है, पर ये अभी गर्म है। अब इसमें अभी हम फ्रूट नहीं डाल सकते हैं। हम इसको पहले बाहर ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको ढककर फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए।
उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे। तो अभी हम इसको फ्रिज ठंडा करने के लिए रख देते हैं। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका हुआ है, ये ठंडा हमने करने के लिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखा था, अभी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इसके साथ बीट करेंगे। ये देखिए हमारा बड़ा अच्छा कस्टर्ड बन गया है, कलर भी इसका बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इसको ऐसे करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छे से हमने इसको कर लेना है। अगर इससे ना हो तो हम इसमें हम हैंडी भी घुमा सकते हैं। कस्टर्ड देखिए हमारा रेडी है, बहुत सॉफ्ट हो गया है, अच्छा है, कोई लम्स नहीं है इसमें। इसमें हम हैंडी भी घुमाएं तो बहुत तभी भी बहुत अच्छा हो जाता है, कोई लम्स नहीं रह जाते हैंडी घुमाने से। अब हम इसमें कटे हुए फ्रूट्स अपने डालेंगे, इसमें जो फ्रूट चाहें आप डाल सकते हैं, चाहे मैंगो, बनाना, नाशपाती, एप्पल, अनार, कीवी, चीकू, जो चाहें आप डाल सकते हैं। मिलाएंगे, ऐसे अच्छे से इसको मिला लेना है। ऐसे हमने गिरियाँ काटनी है, इसको डाल देंगे और मिक्स करके इसको ऐसे सब ऊपर से भी हम गार्निश कर सकते हैं। ये जो है हमारा फ्रूट कस्टर्ड, ये रेडी हो गया है। इसको हम चिल्ड करके फ्रिज में फिर खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसको मेरी रेसिपी से बनाइए और लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।